तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेटीबी क्लासेस। बच्चों, लास्ट हमारा लेक्चर जो था वो था लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आज उसका पार्ट टू करेंगे। प्लस टू क्लास के लिए यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स चल रहा है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में आपने बच्चों लास्ट पे जो इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या बनी थी हमारे पास, 1 by f = μ - 1 upon = 1 - 1 upon r1 - 1 upon r2। ओके, तो ये आपके पास बनके तैयार थी। तो ये जो इक्वेशन थी, चाहे कंकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों के लिए यही इक्वेशन जो थी वो चलेगी। ओके, तो पहले करेंगे, अब मेथड टू है हमारे पास, ए बी इनिशियो मेथड। अब इस वाले केस में हम क्या करेंगे, पिछले लेक्चर में जो हमने रियल टू डेंसर या डेंसर टू रियल की जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई थी, हम उसको लगाकर रिजल्ट डायरेक्टली ये फाइंड कर लिया था। अब क्या करेंगे, उसको नहीं लगाएंगे प्रॉपरली, यहां से स्टार्ट होंगे। रे कैसे पास होकर कैसे यहां तक फाइनल इक्वेशन बना रही है, उसको प्रॉपरली एक एक एंगल को कंसीडर करते हुए फाइनल रिजल्ट बनाएंगे। ओके, तो बच्चों इसमें करना क्या, बड़े आराम से समझना हमने। यहां से चलेंगे, एंगल है मेरे पास अल्फा। अल्फा एंगल किसने बनाया, ऑब्जेक्ट ने। रे गई, ऐसे गई, यहां पर जाकर स्ट्राइक करी। पहला इंटरफेस नॉर्मल, ये रहा सी वन, एंगल बनाया इसने आई। रेयर से डेंसर गई टूवर्ड्स दिस, नॉर्मल बेंड होगी, ये बना एंगल आर वन। फिर दूसरे इंटरफेस पे गई, दूसरे इंटरफेस का सी कौन सा है, ये रहा सी, इसने एंगल बना दिया अल्फा टू, क्योंकि सी टू है तो यहां पर एंगल सी टू बना। तो उसकी वजह से यहां पर जो एंगल बना, अब ये क्या, यहां से रे यहां पर, इधर से रे इस साइड को जा रही है, तो इसको मैंने आर टू लिख दिया। अब बच्चों ध्यान से समझो, मैंने आपको एक बात बोली थी बच्चों, μ = μ2/μ1, जो इंटर जिसका एंगल जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको ऊपर, जिसका कम है उसको नीचे, और यहां पर भी एंगल वो रखना जिसका ज्यादा है जिसका कम उसको नीचे। यहां पर भी देखो बच्चों, ये जो मैंने आई आर वन आर टू या आई टू या ई लेकर चल रहा हूं, इसका क्या कोई मतलब आ रहा है कहीं पर भी, नहीं। इसको मैंने बाद में तो इलिमिनेट करता हूं, क्योंकि तो डायरेक्टली मुझे क्या से चाहिए एंगल, ये चाहिए अल्फा बीटा गामा जो थे। तो यहां पर ये जो मैंने आर टू लिख दिया, इसको आपने ये माइंड में नहीं लेना बच्चों कि यहां पर सर इसको आई टू क्यों नहीं लिया। ओके, ये जो आई टू यहां, क्योंकि ये तो इंसिडेंट एंगल है इसके ऊपर, तो मैंने अपनी मर्जी से यहां पर आर वन या आर टू ले लिया, उसको तो हम इलिमिनेट कर देंगे। आपके माइंड में ये दुविधा आनी नहीं चाहिए। अब देखो यहां से यहां पर जाएगा तो साइन ऑफ आर वन अपॉन साइन ऑफ आर साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर वन आ रहा था, आएगा, क्लियर है, क्योंकि रियर से डेंसर है, जो एंगल ज्यादा उसको ऊपर, जो कम है उसको नीचे लिखेंगे। ओके, बाद में क्या बनेगा, जैसे इस वाले केस में था, ये पहले वाले के लिए है, रेयर टू डेंसर जाते वक्त यहां से इस साइड को गया μ = μ2/μ1, यहां पर आएगा साथ में साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर वन, और बाद में यही बनता था आई अपॉन आर वन, क्योंकि एंगल बहुत छोटे थे, तो बाद में इनको हम एलिमिनेट कर देते थे। तो एलिमिनेट कर लिया, तो बच्चों माइंड में सिर्फ यही चाहिए, सिर्फ शो करना है आई यहां पर इंसिडेंट, ओके आर वन यहां पर, इसको मैंने आर टू लिख दो आई टू लिख दो, डजंट मैटर, यहां पर ये जो एंगल बाद में बाहर निकलेगा इसको आप आई थ्री लिख दो, आर थ्री लिख दो, ई लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्योंकि ये तो इलिमिनेट हो रहे हैं बाद में। ओके, तो ये मेरे पास स्टार्टिंग हो गई। अब क्या होगा, यहां पर बना एंगल, तो बाद में मर्जेंट रहा ये वाला एंगल, क्योंकि डेंसर से रेयर गया तो एंगल बड़ा होगा, तो इस वाले केस में नॉर्मल आएगा, ये तो एंगल बनाया उस नॉर्मल ने गामा टू, पहले वाले ने बनाया था गामा वन, ये इमेज फाइनल इमेज बनी है, ये वाली इसने एंगल बना दिया बीटा। पहले इमेज क्या थी, ये वाली, अगर ये अकेला इंटरफेस रहता तो ये थी, तो ये इसने एंगल बनाया बीटा वन, सारे एंगल पिछले जैसे केसेस थे उसी के जैसे ही सारे एंगल बनकर आगे आगे चल रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करें यहां से, बिल्कुल स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट है। ओके, तो अब क्या करें, कैसे करेंगे, देखो ये मेरे पास आ गया, अब क्या होगा, μ2/μ1 = I / R1,
दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, म्यू टू के साथ आएगा आर वन इक्वल्स टू आई के साथ आएगा म्यू वन। अब आर वन कौन सा है वो देखना पड़ेगा पहले। आर वन, आर वन कैसे, कौन सा एंगल आया बच्चों आर वन, ये रहा एंगल आर वन। ओके, अब दूसरे इंटरफेस का कुछ भी नहीं लेना हमने बच्चों, कौन सा लेना है एंगल आर वन, ये रहा। अब ये जो आर वन एंगल है ये कहां से बना, देखो इसको जल्दी से, ये रही ट्रायंगल, ये जो बोल्ड लाइन है बाद में ये डॉटेड बनी है सीधी गई, यहां से यहां पर और यहां से इस साइड को, तो इसको मैं एक नाम दे दूं ए, इस पॉइंट को नाम दे दूं बी, और यही ए बी मेथड है कि दोनों इंटरफेसेस को मद्देनजर रखते हुए आगे चलो। तो यहां पर इसका एक नॉर्मल बनाऊंगा, ये रहा नॉर्मल, यहां पर इसका एक नॉर्मल बनाऊंगा, ये रहा नॉर्मल, इसको मैं लिख दूं एम वन, इसको लिख दूं एम टू। ओके, अब क्या है देखो, अब इसको ट्रायंगल कौन सी ली, पॉइंट्स देखकर चलना, इन ट्रायंगल ए आई वन सी वन, ए आई वन सी वन, इस वाले के अंदर एंगल रहा आर वन, तो आर वन एंगल ये रहा। दूसरा एंगल कौन सा है बच्चों, बी वन इक्वल्स टू क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल गामा वन इक्वल्स टू आर वन प्लस बीटा वन, तो यहां से आर वन आ जाएगा मेरे पास, वो क्या आ गया गामा वन माइनस बीटा वन, क्लियर, आर वन आ गया, आर वन हमारे पास है। नेक्स्ट चाहिए मुझे आई, अब आई एंगल है ये वाला, तो ये कहां से आएगा, इस वाले केस से, तो इसके लिए दूंगा मैं इन ट्रायंगल ए सी वन और साथ में यहां पर ओ, ए सी वन ओ, इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर बन गया क्योंकि दो लाइन ये लाइन और ये लाइन में कट कर दिया इसको, और ये एक्सटीरियर एंगल बना, तो क्या बना आई इक्वल्स टू गामा वन प्लस अल्फा। ओके, हो गया, याद रखना जब भी आप इक्वेशन बनाओ बच्चों, जो एंगल सी के साथ है, जो पिछले केसेस में भी देखा होगा यहां पर भी देखोगे, तो सी के सी वाला एंगल दोनों में ही आना चाहिए, जरूरी होगा वो, यहां पर भी आएगा। रिजल्टेंट जो हमारे पास इस इंटरफेस का रिजल्टेंट एंगल बना आर वन, वो उसके साथ बीटा इमेज बनाएगी, और जो इंसिडेंट है उसके साथ हमेशा अल्फा आएगा। ओके, तो हो गया ये इक्वेशन बन गई, प्लस माइनस आपने चेक करना हर बार, ये बन गया, इसको फिल करेंगे कहां पर, इस वाले इक्वेशन में, तो इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन के अंदर वो क्या बन गई, अब म्यू टू साथ में आ गया, यहां पर आर वन था, तो आर वन मेरे पास है गामा वन माइनस बीटा वन इक्वल्स टू, साथ में है आई, आई के साथ कौन सा आएगा, आई था, आई के, आई की वैल्यू है गामा वन प्लस अल्फा। ओके, और साथ में आ जाएगा मेरे पास बच्चों म्यू वन। देखो अब गामा वन की वैल्यू क्या है, गामा वन रहा ये, टेन लगाकर चले स्लोप, तो वो क्या होगा दिस अपॉन दिस, म्यू टू गामा वन आएगा ए एम वन अपॉन एम वन सी वन, एम वन सी वन। ओके, साथ में आएगा बीटा वन, बीटा वन है ये वाला, अब बीटा वन का क्या बनेगा बच्चों, किसके साथ है ये, इसी के साथ है ये। ओके, क्योंकि इसी के साथ एंगल था ये, अब वो क्या बनेगा, ये सीधी लाइन गई तो बीटा वन, क्योंकि इसी इंटरफेस को देख रहे हैं, अब इसको नहीं देखा, तो ये बनेगा मेरे पास ए एम वन अपॉन एम वन साथ में आई वन इक्वल्स टू, फिर से ये वाला क्या बनेगा ए एम वन अपॉन एम वन सी वन माइनस अल्फा क्या बनेगा ए एम वन अपॉन एम वन ओ साथ में आ गया म्यू वन। हो गया AM1 थ्रू आउट निकलेगा कॉमन, कट गया यहां से भी गया यहां से भी गया, तो रह क्या गया मेरे पास बच्चों म्यू टू अपॉन
एम वन, अब सी सी वाले एक साइड कर दो, एम वन सी वन, ओके, साथ में ये इस साइड आ जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ म्यू वन अपॉन एम वन सी वन, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा इस साइड। अब इस साइड क्या रह गया, ये मेरे पास रह गया, तो ये क्या है म्यू वन अपॉन एम वन ओ, अब ये किस में है, माइनस में, तो इसको मैंने यहां पर माइनस लिख दिया, और यहां से ये जाएगा उस साइड, तो ये यहां पर माइनस में था तो यहां पर जाकर हो गया प्लस में, तो म्यू टू अपॉन एम वन साथ में आई वन बन गया। अब देखो जितने भी डिस्टेंसेस है कहां से मेजर करने थे, अब इसके सेंटर से, तो ये जो एम वन दिख रहा है ये क्या बनेगा, ओ ओ। अब अच्छा सेंटर को आप लिख दो बच्चों ओ सी, ओ सी क्योंकि यहां पर भी होता, तो अब इसका सेंटर आ गया ओ सी, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, यहां पर ओ वन लिख दो बच्चों इसको, ओ वन, ओके ओ वन आ गया, यहां पर भी क्या आएगा ओ वन, यहां पर भी क्या आएगा ओ वन, यहां पर भी क्या आएगा ओ, ओके, क्योंकि थिन है लेंस, जो ये पॉइंट है बिल्कुल इसके पास ही होगा, तो यहां से डिस्टेंसिस मेजर किए जाएंगे। एक इक्वेशन बन गई, साइन कन्वेंशन नहीं लगाई बच्चों मैंने यहां पर, अभी भी आप ये बात ध्यान में रखो, तो ये इक्वेशन नंबर टू बन गई है। अब क्या करना है, इस वाले पे ऊपर इंटरफेस किया गया दूसरा इंटरफेस, जब अब यहां पर ये इंटरफेस था रेयर से डेंसर, जब रे गई तो इंटरफेस था मेरे पास, इसको मैं ले लूं एक्स, इसको ले लूं वाई, तो एक्स पी वन वाई, एक्स पी वन साथ में वाई। अब इंटरफेस जो आएगा वो दूसरा है, वो इंटरफेस कौन सा है, डेंसर से रेयर जाते वक्त, तो इंटरफेस जो होगा वो कौन सा होगा, एक्स पी टू वाई, एक्स पी टू वाई। इसमें भी क्या है देखो, इसी को लेकर चलेंगे स्टार्टिंग से, फिर से म्यू की वैल्यू क्या आएगी, म्यू टू अपॉन म्यू वन, जी हाँ, इक्वल टू बड़ा एंगल ये वाला, छोटा एंगल ये वाला, तो यहां पर जो बड़ा एंगल होगा वो कौन सा, ई ले लो, आई टू ले लो, मैंने ई ले लिया, नीचे आएगा आर टू। देखो बच्चों जो मैंने बात बोली थी वही है, आई वन आर वन यहां तक सीमित है, बाद में मैंने इलिमिनेट कर दिए, तो मुझे यही एंगल चाहिए थे, बाद में इसको भी इलिमिनेट कर दिया क्योंकि टैन लगाकर चले, तो फिर से यहां पर बड़ा एंगल नीचे छोटा एंगल रख दिया, क्या आएगा ई अपॉन आर टू, तो इक्वेशन क्या बन गई, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल्स टू ई अपॉन आर टू बन गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो क्या बन गया मेरे पास, म्यू टू साथ में आ गया आर टू इक्वल्स टू ई साथ में आ गया म्यू वन, ओके। अब क्या करेंगे, म्यू टू के साथ आर टू, आर टू करना है इलिमिनेट, तो इन ट्राइंगल कौन सी लेकर चलेंगे, इन ट्राइंगल आर टू है एंगल, ये रहा आर टू, तो ये आर टू कैसे बना है, इस और इसकी वजह से, तो ये रहा आर टू, तो आर टू आएगा मेरे को ये ट्राइंगल, और साथ में आएगी पूरी ट्राइंगल यहां तक की, तो लिखेंगे हम ट्राइंगल कौन सी, इन ट्राइंगल बी सी टू आई वन, इस ट्राइंगल से देखा गया तो क्या बना, आर टू बाहर वाला एंगल बन गया, आर टू कौन कौन से इंटीरियर एंगल आ गए, गामा टू प्लस बीटा वन। अब देखो ये एज अ इंसिडेंट एंगल है, तो ये रहा गामा आ गया, सी वाला आ गया, साथ में बीटा वन, बीटा वन एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है यहां पर, तो ये रहा, क्योंकि यही एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा दूसरे के लिए, तो जो पिछली इक्वेशन में बोला था वही चीज क्लियर हो रही है बच्चों, ये एक्ट कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट दूसरे इंटरफेस के लिए, तो ये बन गया मेरे पास। अब क्या होगा, आर टू आ गया, सेकेंड मुझे चाहिए कौन सा, इन ट्राइंगल, अब दूसरी ट्राइंगल कौन सी चलेगी, मेरे को चाहिए ये वाला बाहर वाला एंगल, तो ये बनेगा बी, बी हो गया, साथ में आ गया सी टू, और साथ में आ गया फाइनल आई,
तो इसमें मेरे पास आएगा बच्चों आई या ई लिख दो, ई की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, एक्सटीरियर एंगल है जी हां, ये बनेगा गामा टू प्लस बीटा। अब गामा टू है साथ में बीटा फाइनल, तो फाइनल वाले के साथ एंगल ये हो गया। करेंगे फिल तो क्या मेरे पास बनेगी इक्वेशन, म्यू टू साथ में आएगा आर टू, आर टू की वैल्यू है ये गामा टू प्लस बीटा वन इक्वल्स टू, ई की वैल्यू है गामा टू प्लस बीटा, साथ में आएगा म्यू वन। हो गया, करो वैल्यूज फिल, म्यू टू है साथ में आएगा गामा टू, गामा टू रहा ये, ओके तो ये क्या बन गया बी, बी ये इंटरफेस है ना, बी एम टू अपॉन गामा टू है, गामा टू एम टू साथ में आएगा सी टू, एम टू सी टू प्लस बीटा वन। अब बीटा वन ये रहा, तो इसके लिए क्या आएगा बी एम टू अपॉन बी एम टू, बी एम टू ये बीटा है याद रखना, ये बी है और ये बीटा है, बी एम टू, बी एम टू अपॉन क्या आएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो क्या आ गया एम टू साथ में आई वन, क्लियर इक्वल्स टू गामा टू, गामा टू रहा ये, तो वो क्या बनेगा बी एम टू अपॉन एम टू सी टू प्लस बीटा, बीटा है ये वाला, तो एंगल यहां से ये, तो वो आएगा बी एम टू अपॉन एम टू साथ में आ गया आई, तो इसको रखेंगे म्यू वन के साथ। पीएम टू बी एम टू दोनों साइड से कॉमन निकाला, कट कर दिया, फिनिश्ड। अब क्या रह गया मेरे पास, तो अब बच्चों इसमें से जितने एम सी हैं वो एक साइड कर दें, एम टू सी टू जैसे हैं, तो क्या होगा म्यू टू अपॉन एम टू सी टू, ये हो गया यहां से, यहां से भी ये इस साइड आएगा, तो क्या होगा म्यू वन अपॉन एम टू सी टू इक्वल्स टू, यहां से क्या आ गया म्यू वन अपॉन एम टू आई, यहां से ये चला गया उस साइड, तो क्या होगा म्यू टू अपॉन एम टू आई वन। अब डिस्टेंसिस मेजर कहां से करने हैं इससे, तो ये क्योंकि ये पॉइंट इसके बिल्कुल पास है, लेंस बहुत थिन है, तो क्या होगा यहां पर ओ वन, ये भी क्या हो जाएगा ओ वन, क्या हो जाएगा ओ वन, ये भी क्या हो जाएगा ओ वन। अब क्या हो गया, एक ये इक्वेशन थी, एक ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, तो इसको इक्वेशन नंबर थ्री लिख ले। अब इन दोनों की वजह से रेयर से डेंसर, डेंसर से फिर से रेयर, तो ये दोनों इक्वेशन को इकट्ठा कर दो, आंसर देखो क्या आएगा। अभी साइन कन्वेंशन फिर से नहीं लगाई, तो इकट्ठा किया दोनों को, तो क्या होगा म्यू टू, ओके म्यू टू ओ वन सी वन जाएगा, म्यू वन ओ वन सी टू रहेगा, तो इकट्ठा करो दोनों को, तो ये दोनों चीजें देखो ये और ये है, ठीक है ये और ये है, ठीक है दोनों केसेस में है, तो इसको हम रखेंगे एज इट इज। यहां पर क्या है देखो म्यू वन अपॉन ओ वन ओ, म्यू वन अपॉन ओ वन ओ, तो ये ऑब्जेक्ट था ये इमेज है, ओके यहां पर क्या है म्यू टू अपॉन ओ वन आई, म्यू टू अपॉन ओ वन आई सारा चीज रह रही है, बट ये चीज पॉजिटिव, यहां पर ये नेगेटिव है, दोनों को इकट्ठा जब जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, कैंसल हो जाएंगे। इकट्ठा करो क्या बनेगा रिजल्ट देखते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन, यहां पर म्यू टू माइनस म्यू वन था, कॉमन निकाल दिया दोनों में से, हो जाएगा क्योंकि इस वाले में भी और इस वाले में भी, ये दोनों में है, कैसे करेंगे कॉमन कैसे आएगा, म्यू वन म्यू टू है नीचे, ये चीज दोनों में है, ये चीज दोनों में है, तो क्या होगा ये नीचे वाला पार्ट दोनों में कॉमन निकाला गया, तो पहले इस वाले में देखो कॉमन निकाला गया तो क्या बनेगा बच्चों ओ वन सी वन, साथ में क्या आ गया म्यू टू माइनस म्यू वन, ओके प्लस क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे कौन कौन से टू और थ्री, दोनों को ऐड किया टू प्लस थ्री
दोनों को ऐड किया तो ये कट हो गए थे, और इनमें से ये चीज कॉमन निकाली इस वाले पार्ट में, प्लस इस वाले पार्ट से भी क्या आएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन, और नीचे क्या रहेगा यहां पर ओ वन सी टू हो जाएगा। हुआ कि नहीं बच्चों, देखो इस वाले पार्ट से ये वाली चीज मैंने कॉमन निकाली, इस वाले पार्ट से ये चीज कॉमन निकाली, तो ये दोनों दोनों थिंग्स कॉमन होगी, एक में से ये एक में से ये। अब इन दोनों में से अगर मैं इस और इस चीज को कॉमन निकालू तो क्या होगा, म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा, होगा कि नहीं होएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इक्वल्स टू यहां से क्या बना मेरे पास, म्यू वन अपॉन ओ वन ओ प्लस म्यू वन अपॉन ओ वन आई, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट यहां से बना है। अब क्या करना है, एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट मारो बच्चों, यहां से मैं रेज करूंगा और इसको मैं करूंगा अब यहां पर, देखो होगा क्या, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट से इन दोनों में से इस वाले में ये और इस वाले में से ये कॉमन है, दोनों में से इकट्ठा कॉमन बाहर आएगा, ये साइड एज इट इज रहेगी, साइन कन्वेंशन लगाएंगे, रिजल्टेंट ये चेक किया जाएगा। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से, डन। कॉमन किया गया म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया वन अपॉन ओ वन सी वन प्लस वन अपॉन ओ वन सी टू इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन ओ वन ओ प्लस म्यू वन अपॉन ओ वन आई हो गया। लगाओ साइन कन्वेंशंस, अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस, कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव कन्वेक्स लेंस था, तो क्या होगा इस वाले केस में, ओ वन सी वन, ओ वन सी वन इस साइड को है, ओ वन सी वन इस साइड को है, डिस्टेंस क्या है आर वन, तो क्या होगा म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है ये चीज हो जाएगी आर वन पॉजिटिव है, आर वन पॉजिटिव, यहां पर प्लस आएगा कि माइनस देखना पड़ेगा, ओ वन सी टू, ओ वन सी टू इस साइड को, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव इस साइड को होने थे, क्योंकि अब जिस साइड को हम जाएंगे इंसिडेंट रे उसी साइड को पॉजिटिव, दूसरी साइड नेगेटिव, डिस्टेंसेस यहां से मेजर होंगे तो ये पार्ट नेगेटिव, तो क्या आएगा यहां पर नेगेटिव लगा दिया, इक्वल्स टू यहां पर क्या होगा म्यू वन अपॉन ओ वन ओ, ओ वन ओ नेगेटिव ऑफ यू प्लस म्यू वन अपॉन ओ वन आई, ओ वन आई इस साइड को, तो ये क्या है ओ वन आई, ये है मेरे पास वी, ओके यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये क्या था वी वन, ये है वी, तो यहां पर आ गया वी हो गया। अब ये करेंगे म्यू वन कॉमन निकालो, इसके नीचे आएगा कैंसल आउट, म्यू टू होगा ये कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी नीचे आ जाएगा, तो वो क्या होगा यहां से म्यू वन कॉमन निकाला इसके नीचे रखे तो म्यू टू अपॉन म्यू वन एक आ गया इस वाले के नीचे, म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या बनता है म्यू, म्यू वन अपॉन म्यू वन कॉमन निकाला था तो वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इक्वल्स टू यहां पर क्या आ जाएगा वन अपॉन माइनस यू प्लस वन अपॉन बी, ये क्या होता है वन अपॉन एफ हो गया, ये चीज बन गई वन अपॉन एफ हो गया। अब इसके साथ कंपैरिजन करें तो क्या बनता है वन अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, तो इक्वेशन क्या होगी प्रूफ, तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ गया वन अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस वन, साथ में आ जाएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, तो रिजल्टेंट मेरे पास ये इक्वेशन बनकर तैयार है। तो ये इक्वेशन अब हमने बनाई कैसे ab initio मेथड से कन्वेक्स के लिए, इसी तरह से किसकी बनेगी कनकेव के लिए, मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका, इसके बाद करते हैं कनकेव को। तो नेक्स्ट है बच्चों कनकेव लेंस,
अब कंकेव लेंस के लिए क्या होगा, ये है ऑब्जेक्ट, रेयर से डेंसर मीडियम में गया, म्यू वन म्यू टू फिर से म्यू वन गया, पहला इंटरफेस आएगा ये वाला, ये हो गया एक्स पी वन वाई, एक्स पी टू वाई, ये दूसरा इंटरफेस। तो पहले इंटरफेस का सी वन किस साइड होगा, इसी साइड, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट की रे गई और वापस कैसे गई, टूवर्ड्स दिस नॉर्मल जाएगी क्योंकि ये डेंसर है, तो ये रे ऐसे गई। उसके बाद क्या होगा, डेंसर से रेयर, तो दूसरा इंटरफेस मेरे पास ये रहा और इसका सी क्या रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ आ गया ये, तो सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बन गया। तो क्या होगा, डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से बाहर, तो ये मेरे पास ई आ गया। यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये बन गया आर टू, किसके साथ, इस नॉर्मल के साथ, इस इंटरफेस के ऊपर, और ये रहा कंकेव, थिक थिन और फिर से थिक, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, इसका सेंटर ऑफ लेंस आएगा ओ वन, ओके। एंगल्स मेरे पास बने हुए हैं, इसका ये पहला इंटरफेस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, तो एंगल बनेगा गामा वन, इमेज फाइनल यहां पर बनेगी तो बीटा, पहले इंटरफेस के कारण इमेज जो बनी थी वो बनी थी ये आई वन, तो बीटा वन, तो पहले ऑब्जेक्ट का यहां पर एंगल वो बन गया अल्फा। पहले जैसा ही है, पूरा क्लियर होगा आपको, स्टार्ट करते हैं कैसे, म्यू से ही, म्यू टू अपॉन म्यू वन, क्या होगा एंगल, इस इंटरफेस है रेयर से डेंसर, कौन सा एक्स पी वन वाई, कौन सा एंगल आएगा, साइन ऑफ आई वन अपॉन कौन सा आएगा, साइन ऑफ आर वन, ओकर ये एंगल बनेगा सेंटर के साथ ऑब्जेक्ट की रे का आई वन, ये बनेगा आर वन, छोटे छोटे एंगल हैं तो बनेगा आई वन अपॉन आर वन, ओके। तो बन गया मेरे पास म्यू टू के साथ आर वन और यहां पर म्यू वन के साथ आ गया आई वन, आर वन आई वन चेक करना है बच्चों, तो आर वन मेरे पास कौन सा आएगा, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल देखनी पड़ेगी, आर वन, आर वन है ये वाला, तो ये वाला एंगल जितना है वही एंगल कौन सा होगा बच्चों, इतना एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ओके। तो ये एंगल क्या बना मेरे पास, इसको लूंगा ए पॉइंट, इसको लूंगा बी पॉइंट, नीचे को बनेंगे, यहां पर बनेगा एम वन, इसका नीचे को बनेगा एम टू, ओके। तो मेरे पास ए वन, जैसे ये एंगल आर वन है उतना ही एंगल ये बनेगा, तो वो ट्रायंगल मेरी कौन सी आ गई, ये वाली, ओके। तो ट्रायंगल कौन सी बनी, ए आई वन साथ में आ गई सी वन, ए आई वन साथ में सी वन। तो इस वाले केस के अंदर मेरे पास एक्सटीरियर एंगल कौन सा बना बच्चों, इस वाले केस में गामा वन, क्या बन गया गामा वन, बीटा वन प्लस आर वन, आर वन, ओके। इस ट्रायंगल के अंदर, इसके अंदर ये एंगल है आई वन जो है वो बाहर वाली लाइन के साथ है, इस अंदर वाले के अंदर ये एंगल और ये एंगल जो इस दोनों डॉटेड लाइन के अंदर है वो आर वन है, तो ये बन गया, इसमें से मैं निकाल लूंगा आर वन, तो मेरा आर वन क्या आ गया बच्चों, गामा वन माइनस बीटा वन हो गया। तो एक मेरे पास बन गया, अब मैं दूसरा फाइंड करूंगा, तो मेरा दूसरा कौन सा है, आर वन हो गया। अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी लूंगा, इन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल है मेरे पास, अब मुझे चाहिए आई वन, आई वन रहा ये वाला, तो ये तो साफ दिखता है कि कौन सी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। तो ट्रायंगल बन गई कौन सी, ए साथ में आएगा सी वन, साथ में आ गया ओ। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर मेरे पास एक्सटीरियर एंगल गामा वन इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई वन हो गया। तो इसमें से मैं आई निकाल लूंगा, तो मेरे पास आई क्या आ गया बच्चों, गामा वन माइनस अल्फा, करो वैल्यूज दोनों के फिल इसी इक्वेशन में, तो म्यू टू के साथ आ गया आर वन की वैल्यू है गामा वन माइनस बीटा वन इक्वल्स टू म्यू वन के साथ आई वन की वैल्यू है गामा वन माइनस अल्फा, हो गया वैल्यू बन गई। अब गामा वन क्या है, गामा वन रहा बच्चों ये, तो ये इस इंटरफेस के लिए है, तो वो बन जाएगा मेरे पास म्यू टू, गामा वन है ए एम वन अपॉन
M1C1 माइनस बीटा वन कौन सा है, ये रहा, तो इसमें क्या आएगा, ए एम वन अपॉन एम वन साथ में आई वन इक्वल्स टू म्यू वन के साथ क्या आएगा, म्यू वन कहां पर है, म्यू वन के साथ गामा वन क्या है, गामा वन रहा ये, तो ये क्या बनेगा, ए एम वन अपॉन एम वन सी वन माइनस अल्फा, अल्फा कहां पर, ये रहा अल्फा, तो ये बनेगा ए एम वन अपॉन एम वन ओ। ओके अब क्या करेंगे, ऊपर से ए वन दोनों साइड कॉमन निकाला कट किया तो बनेगा क्या मेरे पास, ये इक्वेशन अब क्या बन गई, म्यू टू अपॉन ओके ये कट भी गया, एमसीएमसी एक साइड भी करेंगे तो एम वन सी वन और दूसरा इस साइड कौन सा आ गया, म्यू वन अपॉन एम वन सी वन माइनस में, तो इस साइड क्या है माइनस ऑफ ए एम वन, तो वो तो कैंसल आउट हो गया था, साथ में क्या रह गया म्यू वन ओके अपॉन साथ में माइनस था तो माइनस है और साथ में क्या आएगा एम वन ओ ओके यहां से कौन गया, ये गया उस साइड तो ये जाकर बन गया प्लस म्यू टू अपॉन एम वन साथ में आई वन। सारे डिस्टेंसेस M1 इसके बिल्कुल पास है तो डिस्टेंसेस बिल्कुल पास है तो यहां से डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो क्या आएगा यहां पर O1, यहां पर भी क्या आएगा O1, यहां पर भी क्या आएगा O1, यहां पर भी आएगा O1। एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे, इसको बनेंगे नंबर वन। सेकेंड इक्वेशन कौन सी बनेगी आप देखो, उसके लिए इंटरफेस ये देखना पड़ेगा, तो ये इंटरफेस कौन सा आ गया, डेंसर से रेयर, तो इंटरफेस कौन सा है एक्स पी टू वाई। इस वाले केस के अंदर क्या होगा, अब देखो क्या करेंगे हम, फिर से म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल्स टू क्या था, म्यू से ही है, म्यू इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल्स टू साइन ऑफ ई अपॉन साइन ऑफ आर टू, किसके बराबर ई अपॉन आर टू, क्या बन जाएगा म्यू टू साथ में आर टू म्यू वन के साथ ई। अब आर टू देखना पड़ेगा इस इंटरफेस के लिए, आर टू है बच्चों ये वाला, तो कैसे बना, इससे यहां से इसके सॉरी यहां से बना बच्चों, यहां से इस साइड को बना और यहां से बना है वो किस ट्रायंगल के साथ, ये जो जा रही है अंदर से ये वाली, ये जो यहां से गई बिल्कुल पीछे को जा रही है ये वाली, तो इसके लिए मैं ट्रायंगल कौन सी लूंगा, इन ट्रायंगल बी सी टू और साथ में जो पीछे तक गई आई वन। ओके तो ये आ गई, तो इस ट्रायंगल में मेरे पास क्या बन गया, ये एक्सटीरियर बना, तो आर टू कौन सा आ गया, यहां पर जो एंगल होगा वो होगा गामा टू, तो इक्वल्स टू गामा टू प्लस एंगल कौन सा है, ये था लाइन सीधी जा रही पीछे बीटा वन। ओके हो गया, इंसिडेंट वाला था ये इंसिडेंट हो गया इस वाले इंटरफेस पे, ये तो आएगा सभी के साथ साथ में बीटा वन, पहले वाली इक्वेशन यू जो बनेगा बाद में तो वो आ गया मेरे पास बीटा वन, तो एज अ ऑब्जेक्ट का एंगल ये हो गया सेकंड वाले इंटरफेस के लिए, क्योंकि ये एक्ट कर रहा है एज अ सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए, सेकंड वाले इंटरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट, तो ये एंगल उसका बन गया। अब दूसरा है इन ट्रायंगल, अब मेरे को चाहिए कौन सा आई, अब मेरे को चाहिए एमर्जेंट ई, तो एमर्जेंट मेरे पास क्या आएगा, ये वाला एमर्जेंट, तो ये एंगल कहां से बना, इस वाले केस से, तो इस वाले केस में क्या आएगा मेरे पास, इन ट्रायंगल बी सी टू साथ में आई, तो इसमें क्या बनेगा ई इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा टू, इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा टू, ई भी है आर टू भी है, इसमें वैल्यू फिल करेंगे तो क्या बनेगा म्यू टू साथ में आएगा आर टू था, आर टू है ये, तो गामा टू प्लस बीटा वन इक्वल्स टू म्यू वन के साथ है ई, तो वो आएगा बीटा प्लस गामा टू, गामा टू की वैल्यू क्या बनी, गामा टू रहा ये एंगल, तो गामा टू है ये, तो इसकी बनी यहां से ये नॉर्मल बना है इसके ऊपर M2, तो ये बन गया
म्यू टू साथ में गामा टू है तो वो आएगा बी एम टू अपॉन एम टू सी टू प्लस बीटा वन, बीटा वन है ये, तो ये आएगा बी एम टू अपॉन एम टू साथ में आई वन ओके इक्वल्स टू। अब क्या है म्यू वन है तो इसके साथ भी क्या है बीटा, बीटा है बी एम टू अपॉन एम टू आई, बी एम टू और साथ में नीचे आएगा एम टू आई, साथ में क्या है प्लस बीटा टू, बीटा टू है बी एम टू अपॉन एम टू सी टू, बी एम टू अपॉन एम टू सी टू ओके। अब क्या करेंगे एम टू सी टू, एम टू सी टू एक साइड तो बनेगा क्या, यहां से करते हैं एम टू साथ में चलो नीचे करते बाद में इस साइड आएंगे तो आएगा म्यू टू साथ में क्या आ गया ऊपर वाला कॉमन निकाल कट गया तो नीचे आ गया एम टू सी टू, यहां से इस साइड को ये आ गया माइनस एम टू सी टू इक्वल्स टू, यहां पर क्या रह गया म्यू वन क्या एम वन आई, इस साइड से इस साइड को गया माइनस करते हुए एम टू आई, जितने भी डिस्टेंसेस सारे ओ वन से लेने हैं तो ये बन जाएगा ओ वन, ये भी बन गया ओ वन, ये भी हो गया ओ वन, ये भी हो गया ओ वन। इक्वेशन नंबर टू, वन और टू को करेंगे एड तो मेरे पास क्या आ गया, अब देखो क्या आता है बच्चों, ये दोनों में से फिर से वैसे पिछले बार वाला केस ओ वन सी वन, ओ वन सी वन, ओ वन सी टू, ओ वन सी टू ठीक है, यहां से इस वाले केस में क्या है ओ वन ओ, यहां पर ओ वन आई है, ये वाले केस में देखो ओ वन आई म्यू टू, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों यहां पर क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट जब आप इक्वेशन बनाएंगे, तो रह क्या गया नीचे पीछे देखो फिर इसमें से फिर से निकालेंगे ये कॉमन, इस वाले से निकालेंगे ये कॉमन, तो क्या बनेगा ओ वन सी वन तो रह गया म्यू टू माइनस म्यू वन प्लस, यहां से इसको कॉमन निकालो तो क्या रह गया ओ वन सी टू साथ में आएगा म्यू टू माइनस म्यू वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू वन अपॉन ओ वन ओ प्लस यहां से आएगा म्यू वन अपॉन ओ वन आई, ये कॉमन है दोनों में से, यहां पर भी म्यू वन है ओके इस वाले केस में से, तो ये कॉमन निकालो दोनों में से तो क्या बन गया म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन हो गया, तो पीछे क्या रह गया वन अपॉन ओ वन सी वन प्लस वन अपॉन ओ वन सी टू इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू वन, यहां से म्यू वन भी कॉमन निकाल दो इसके नीचे आ जाएगा तो यहां पर क्या आ गया म्यू वन और यहां पर भी म्यू वन और यहां पर रहेगा मेरे पास माइनस ऑफ ओ वन ओ प्लस ओ वन आई ओके। अब क्या होगा ये क्या होता है म्यू, तो इसको मैं यहां पर भी चेंजेस कर दूंगा तो ये मेरे पास आ गया म्यू, ये कट गया तो यहां पर क्या आ गया वन ओके, तो कुछ ये बन गया। अब क्या करेंगे ये ओ वन आर क्या है साइन कन्वेंशन लगाएंगे, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन ओ वन सी वन, ये इस साइड को ये पहला है तो ये क्या आ जाएगा आर वन, ये है आर टू, ये होगा पॉजिटिव ये होगा नेगेटिव, यहां से ये वाला केस नेगेटिव ऑफ यू, यहां से यहां तक का नेगेटिव ऑफ बी ओके। तो क्या करेंगे इसको देखें तो वैल्यू फिल की म्यू वन माइनस वन और यहां पर आएगा ओ वन सी वन, ओ वन सी वन आर वन नेगेटिव में और ये क्या आ जाएगा ओ वन सी टू ये पॉजिटिव में इक्वल्स टू, यहां पर क्या बनेंगे दोनों दोनों पॉजिटिव दोनों दोनों नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव होंगे तो ये आ गया नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया तो यहां से ये क्या हो जाएगा नेगेटिव तो ये नेगेटिव हो गया ओके क्लियर बच्चों कितना क्लियर है आपको ओके ये आपको दिख नहीं रहा ओके बच्चों साइन कन्वेंशन लगाई और बाद में मैं करूंगा बिल्कुल सामने यहां पर तो साइन कन्वेंशन लगाई है तो म्यू माइनस वन ओके और साथ में क्या आ गया यहां पर ये नेगेटिव था ओ वन सी वन ओके माइनस ऑफ आर वन
यहां पर आ गया ये पॉजिटिव R2 इक्वल्स टू, यहां पर ये आ गया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और यहां पर ये बन गया नेगेटिव। ओके डन। अब इसके बाद क्या होगा, इक्वेशन मेरे पास थी जो हमारे पास फोकल लेंथ आती है वो क्या होता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू होता है। तो यहां पर ये उल्टी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव, इसका मतलब इसको इस साइड ले जाओ और इस वाली चीज को इस साइड ले जाओ। तो एट दैट टाइम क्या होगा, वन अपॉन वी वन अपॉन यू, ये इस साइड उस साइड चला गया तो ये वाली चीज पूरी इस साइड आएगी, तो ये क्या होगी म्यू माइनस वन, इसको ऐसे रहने दो, इसके सामने वैल्यूज चेंज कर दो तो वो क्या होगा आर वन पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो कुछ ये बन गया। तो ये चीज क्या बनती है, वन अपॉन एफ हो गई, ये चीज पूरी पूरी क्या बनती है वन अपॉन एफ इक्वल्स टू क्या बनेगा म्यू माइनस वन, यहां पर आएगा आर वन माइनस आर टू। तो ये इक्वेशन वही बन गई जो पहले इक्वेशन थी। तो यहां से बच्चों क्या क्लियर हुआ कि चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, फोकल लेंस मेकर फॉर्मूला क्या रहेगा दोनों के लिए बिल्कुल सेम। तो रिजल्ट हमारे पास है, कनकेव के लिए भी कर लिया, इससे पहले कन्वेक्स के लिए भी हम कर चुके हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहे खुशहाल रहे, पढ़ते रहे पढ़ाते रहे, और लाइफ को क्या कहना है एंजॉय। स्क्रीन छोड़ दे दो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।